भागलपुर जिला अंतर्गत सबौर थाना पुलिस का फिर एक बार बर्बर चेहरा सामने आया है। दरअसल सबौर थाना की पुलिस वारंटी के घर वारंटी को पकड़ने के लिए गई थी। इसी बीच जब वारंटी नहीं मिला तो वारंटी के माता और परिवार को जमकर पीट दिया। इतना ही नहीं, जिस डंडे से पीटा गया था वह डंडे भी पुलिस छोड़कर चल गई। इसको लेकर पीड़ित परिवार न्याय के लिए चक्कर लगा रहे हैं। सभी के चेहरे पर पुलिस का खौफ नजर आ रहा है। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि पीड़ित महिला रीता देवी ने बताया कि देर रात सबौर थाना प्रभारी विवेक जायसवाल अपने पुलिस टीम के साथ मेरे घर आई और मेरे बेटे के बारे में पूछने लगी। जब हमने कहा कि 4 साल पहले ही बेटा हमसे अलग रहता है और हमें कोई लेना देना बेटा से नहीं है, तो हमको जमकर लाठी डंडे से पीटने लगा। पुलिस के डंडा तो वापस कैसे आ गेलो? पुलिस छोड़ी का डंडा ल कछलियन बस हमने डंडा छीनी ललके हमन कलियन के हमन पहचान करियो ने पैबल का मरल के बस है बचाए खतरा बचाए डंडा छीनी के फेंकी दल का बस तब हम यो छुटी गेले गेले तब देखल के देखल के मारना चला दिया सब फेरो से। भागलपुर में गंगा ने विकराल रूप धारण कर लिया है। गंगा के जलस्तर में लगातार वृद्धि हो रही है। बीते 36 घंटे में गंगा के जलस्तर में 30 सेंटीमीटर की बढ़ोतरी हुई है। जलस्तर में हो रही लगातार वृद्धि से आज कैवीनाथ धाम घाट पूरी तरह से जलमग्न हो गया है। ऐसे में भागलपुर जिला प्रशासन की ओर से श्रद्धालुओं की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। श्रद्धालुओं को बैरिकेडिंग के अंदर स्नान करने की सलाह दी जा रही है। इसके साथ ही सुरक्षा के लिए SDRF के साथ साथ स्थानीय नाविक और गोताखोर को 24 घंटे लगाया गया है। हालांकि गंगा खतरे के निशान से नीचे बह रही है। बिल्कुल, उसको लेकर के फ्लड कंट्रोल डिवीजन हमारा सतर्क है और जैसे जैसे घाट पे पानी का स्तर बढ़ता है तो हम लोग जो बैरिकेडिंग है उसको ऊपर की तरफ लाते हैं ताकि कम पानी में ही हमारे कमरिया बंधु हैं वो स्नान कर सकें, कमरिया श्रद्धालु स्नान कर सकें। उसकी सुरक्षात्मक व्यवस्था है, हम लोगों ने जाली भी लगाया है जो हरे रंग की जाली है ताकि अच्छी सुरक्षा हो सके, उसको लगाया है। प्लस बोट से हम लोग पेट्रोलिंग कर रहे हैं। रक्षा वाहिनी स्वयंसेवक संघ द्वारा भागलपुर के समाहरणालय परिसर में एक दिवसीय धरना का आयोजन किया गया। इसमें जिला के सभी होमगार्ड के जवान शामिल थे। इन लोगों का मांग है कि हमें भी समान काम के बदले समान वेतन मिले। इतना ही नहीं, बिहार रक्षा वाहिनी संघ के जिला सचिव विभाग कुमार झा ने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय पटना के द्वारा जो आदेश पारित हुआ है जिसमें कहा गया है कि राज्य के गृह रक्षकों का कर्तव्य भत्ता महंगाई भत्ता के साथ ही पुलिस को मिलने वाली अन्य सुविधा अविलंब दी जाए। इन लोगों ने यह भी कह दिया कि यदि हम लोग का मांग जल्द पूरा नहीं होता है तो हम लोग सड़क पर उतर कर प्रदर्शन करेंगे। सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली के फैसला है कि समान काम का समान सुविधा देने का, लेकिन आज सरकार हम लोगों कुछ फैसले को पालन करने में लापरवाही कर रही है जिसके बाद मजबूरन संघ को बाध्य होकर हम लोग आज आंदोलन पर उतरे हुए हैं। हम लोगों का भत्ता 2017 में बढ़ाया गया, 17 से अभी तक में 8 वर्षों के बीच में सभी विभाग के सभी कर्मचारियों का भत्ता दोगुनी अनेक प्रकार के सुविधा दिया गया, लेकिन हम गिरक्षकों का 8 वर्षों से अभी तक किसी भी प्रकार का मानदेय में कोई बढ़ोतरी नहीं हुआ। अगर आप इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग कर रहे हैं और आप शेयर मार्केट में, स्टॉक में, म्यूचुअल फंड में या फिर इंश्योरेंस में अपने पैसे को इन्वेस्ट करना चाहते हैं लेकिन इसको लेकर पूरी तरह से श्योर नहीं है, तो आपके इन्वेस्टमेंट की सही प्लानिंग करने के लिए भागलपुर में बजाज कैपिटल के ऑफिस का शुभारंभ हो गया है। इन्वेस्टमेंट को सरल और सुगम बनाने के उद्देश्य के साथ भागलपुर में बजाज कैपिटल के ऑफिस का शुभारंभ किया गया है।
भागलपुर की RBBS रोड में बायजूस ट्यूशन सेंटर के ऊपर PR टावर में तीसरे फ्लोर पर बजाज कैपिटल के ऑफिस का उद्घाटन किया गया है। उद्घाटन भाजपा नेता बंटी यादव एवं बजाज कैपिटल के रीजनल हेड अमित त्यागी ने संयुक्त रूप से फीता काटकर एवं दीप प्रज्वलित कर किया। उद्घाटन के बाद मीडिया से बात करते हुए रीजनल हेड अमित त्यागी ने बताया कि हमारी कंपनी बजाज कैपिटल इंश्योरेंस एंड ब्रोकिंग लिमिटेड पिछले 60 सालों से पूरे देश में लोगों को फाइनेंशियल प्लानिंग करती आ रही है। पूरे बिहार में इस कंपनी के 12 जगह ऑफिस हैं। अब भागलपुर में भी इसका ऑफिस शुरू हो गया है। अब भागलपुर के लोग भी अपनी इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग हमारे ऑफिस में आकर कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि बजाज कैपिटल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें वह लोगों को बताती है कि कहाँ उन्हें अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए जिससे उन्हें गारंटीड और सटीक रिटर्न मिले। वहीं सीनियर जोनल मैनेजर विनीत उपाध्याय ने बताया कि हमारी कंपनी बजाज कैपिटल वन स्टॉप सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जैसा कि इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड, लोन, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट जैसी सर्विस कंपनी प्रोवाइड करती है। बजाज कैपिटल वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड बिगेस्ट कंपनी है। यह मार्केट में 60 सालों से काम कर रही है। इन्वेस्टमेंट को सरल और सुगम बनाना हमारी कंपनी का मोटो है। वहीं ऑफिस का उद्घाटन करने के लिए पहुंचे भाजपा नेता बंटी यादव ने कहा कि आज भागलपुर शहर में बजाज कैपिटल का इन्वेस्टमेंट ऑफिस खुला है। भागलपुर के लिए सौभाग्य की बात है कि इतनी बड़ी कंपनी और ऐसे अच्छे सोच वाली कंपनी के इन्वेस्टर्स को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए ऑफिस खोला है। उनकी अच्छी व्यवस्था है, सुंदर ऑफिस है, सुंदर टीम है, समझदार और यंग टीम है। फ्यूचर में भागलपुर के हर नागरिक और हर जनता के इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न प्रॉपर मिले, इसको सुनिश्चित करें। उद्घाटन के मौके पर बजाज कैपिटल के कई अधिकारी, कर्मचारी और अतिथिगण मौजूद थे। कंपनी ये बजाज कैपिटल है और बजाज कैपिटल जो कंपनी है ये वन स्टॉप सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, मतलब एक छत के नीचे सारी सुविधाएं प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि इंश्योरेंस हो गया, म्यूचुअल फंड हो गया, आपको लोन हो गया, इंश्योरेंस से रिलेटेड सारी सुविधाएं हमारी कंपनी प्रोवाइड करती है। और बजाज कैपिटल जो कंपनी है वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड बिगेस्ट कंपनी है, तो ये मार्केट में 60 सालों से काम कर रही है और कस्टमर को सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी है कस्टमर को सेटिस्फाइड करके अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करना, क्योंकि हमारी कंपनी का मेन उद्देश्य क्या है कि इन्वेस्टमेंट को सरल और सुगम बनाना। तो हमारी कंपनी का भागलपुर में ब्रांच खुल चुका है, सारे भागलपुर वासियों को स्वागत है, सब लोग यहां पे आए और हमारे ऑफिस को अपनी ब्लेसिंग दें। आज भागलपुर शहर में बजाज कैपिटल का इन्वेस्टमेंट का ऑफिस खुला है। भागलपुर के लिए सौभाग्य की बात है, इतनी बड़ी कंपनी और ऐसे अच्छे सोच वाली कंपनी ने इन्वेस्टर्स को अपनी तरफ आकर्षण करने के लिए ऑफिस खोला है। इनकी अच्छी व्यवस्था है, सुंदर ऑफिस है, सुंदर टीम है और समझदार और यंग टीम है जो आने वाले भागलपुर के सब बसिंदे हैं और भागलपुर को आगे बढ़ाएंगे और फ्यूचर में भागलपुर के हर नागरिक और हर जनता के इन्वेस्ट प्रॉपर होकर उनका रिटर्न प्रॉपर मिले, इसकी सुनिश्चित ये करेंगे। कंपनी है बजाज कैपिटल इंश्योरेंस ब्रोकिंग लिमिटेड। तो बजाज कैपिटल का हमारे भागलपुर में आज ये ऑफिस खुल रहा है। ऑलरेडी बिहार में हमारी 10 से 12 लोकेशन है और इस फाइनेंशियल ईयर में हमारी जो एक्सपेंशन की प्लानिंग है वो एटलीस्ट 15 से 20 वेन्यू टोटल ऑफिस हमको खोलने हैं बिहार में। और ऑलरेडी यूपी में हमारे करीब 40-50 ऑफिस हैं, लेकिन बिहार में भी हमारे 10-15 हैं। तो उम्मीद है कि जैसे यूपी में हम इतने आगे बढ़ रहे हैं, बिहार में बढ़ें। ऑल ओवर इंडिया हमारी लगभग 350 से 400 ब्रांचेज हैं और हमारी कंपनी 1964 में शुरू हुई थी बजाज कैपिटल। और हम लोगों की फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं, जैसे गांधी जी ने बोला था 1947 में जब हम आज़ाद हुए थे कि आज हम आज़ाद तो हो गए लेकिन देश उस दिन आज़ाद होगा जिस दिन हम आर्थिक आज़ाद होंगे। तो हमारी कंपनी उसी चीज़ में काम करती है, लोगों को आर्थिक मजबूत करती है। आज की रेट में लोग पैसा कमा रहे हैं लेकिन उसको सही जगह इन्वेस्ट करना भी ज़रूरी है। कोई एक कंपनी का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कोई एक कंपनी अपना ही बताती है, लेकिन बजाज कैपिटल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें वो लोगों को बताती है कि कहाँ उन्हें अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए जिससे उन्हें गारंटीड और सटीक रास्ते मिले अपनी फैमिली के लिए, अपने पैसे को ग्रोथ करने के लिए। भागलपुर के निजी होटल में पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह द्वारा संवाद कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस संवाद कार्यक्रम में एनडीए के सभी कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी मौजूद रहे। संवाद कार्यक्रम में पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि बिहार में भी एनडीए की सरकार है और केंद्र में भी एनडीए की सरकार है, इसलिए भागलपुर के लोगों के साथ क्या समस्या है और भागलपुर में क्या संभावना है, इसको लेकर आज संवाद कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। आगे पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हमारे पार्टी में सभी कार्यकर्ताओं का मनोबल ऊंचा रहे हैं,
एवं कार्यकर्ता के साथ संपर्क चलते रहना चाहिए। आज के इस कार्यक्रम में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ स्थानीय लोग भी मौजूद थे। बैठक का उद्देश्य है कि आप जानते हैं कि केंद्र में भी एनडीए की सरकार है जी, बिहार में भी एनडीए की सरकार है, तो वही जो हमारे भागलपुर के जितने भी हमारे साथी हैं उनके साथ हम लोग संवाद करके क्या क्या चीज़ें हैं इस क्षेत्र की, क्या क्या संभावनाएं हैं इस क्षेत्र में, उसके बारे में चर्चा किया जाए, जिससे कि हमारा जो कार्यकर्ता है, हमारे जो साथी हैं, उनका मनोबल ऊंचा रहे। राजनीति में देखिए, एक बात समझिए कि राजनीति में कार्यकर्ताओं के साथ संपर्क और संवाद को चलते रहना चाहिए, जिससे कि आप जो जमीन पर हमारे कार्यकर्ता हैं वो जो अपनी बात रखते हैं उनसे आप रूबरू होते हैं और आप अपनी बात उनके साथ रखते हैं, एक बढ़िया तालमेल बैठता है और आगे जो है कैसे और बेहतर काम किया जाए उसकी संभावना होती है। अब आगे की इसमें क्या प्रक्रिया रहेगी सर, जो बचा हुआ आज की इस बैठक की? हम लोग जो हैं आगे हमारे जितने भी बिहार में या हमारे खास करके भागलपुर जितने हमारे विधानसभा के क्षेत्र हैं जी, सब जगह हम लोग कार्यकर्ताओं से अपना संवाद रखेंगे और हम लोग उनके सुख दुख में खड़ा रहें जी, इसको हमको लोगों अपने कार्यकर्ताओं को आश्वस्त भी करना होगा।